25 साल पुरानी टिनाइटस की प्रॉब्लम, जिसमें कान में काफी ज्यादा हियरिंग लॉस हो गया। सुनते हैं फीडबैक। स्टार्ट करें सर वीडियो फीडबैक। हाँ बोलो आप। सुरेंद्र सर, थैंक यू सो मच अपना वीडियो फीडबैक शेयर करने के लिए। आप बताएंगे सर आपकी उम्र कितनी है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरी उम्र अभी इस वक्त 58 है ठीक है। और मैं अजमेर राजस्थान से बात कर रहा हूँ। ठीक है सर, आपको ये दिक्कत कैसे स्टार्ट हुई? आपने इसके लिए कहाँ कहाँ डॉक्टर को दिखाया? यह दिक्कत मुझे 1997 हाँ जी 9 और 7 हाँ 1997 में मुझे अचानक ही यह दिक्कत हुई थी। मेरे कान में ना आवाज आने लगी सुन सुन की, जैसे मैं थूक निकलूं या हाँ जैसे मैं कुछ खाऊं या कुछ चाय पीऊं या कुछ, तो मुझे टिक टिक की आवाज आने लगी। जी ठीक है। तो उसके बाद मैंने इसका ENT डॉक्टर को दिखाया। वहां उन्होंने मुझे सारा कुछ देख के मेरा बोले आपके टॉन्सिल्स बढ़े हुए हैं हाँ तो आपके टॉन्सिल्स का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये बात 1997 की है, यानी आप लगा लो 25 साल साल। हो हाँ गए जी होंगे। बिल्कुल। अब उस वक्त तो ये इलाज ही नहीं था नहीं डॉक्टर था सत्रह जो, बिल्कुल सर बिल्कुल। तो अब हमें तो इतनी समझ नहीं थी क्या है। अब मेरे तो तकलीफ ज्यादा थी, फिर मैंने तो बोला भाई आप कर दो मेरा ऑपरेशन। उन्होंने टॉन्सिल्स का ऑपरेशन कर दिया, उससे 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 भी मेरे को फर्क नहीं आया। ठीक है। ऐसे करके मैंने फिर दिल्ली में गया, फिर दिल्ली में ENT में दिखाया, फिर वहां पे वो बोले आपका कान का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब तकलीफ थी अब हाँ क्या करता, फिर मैंने कान का भी ऑपरेशन करवा दिया। जी हाँ जी ऐसे करके मेरा लाखों रुपए बर्बाद हो गया, जी बिल्कुल। लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं नजर आया। ठीक है। फिर ये मतलब इलाज तो चलता ही रहा, कहीं ना कहीं धक्का तो मैं खा ही रहा था हाँ जी बिल्कुल भाई कहीं से भी मुझे इलाज मिल जाए। जी। तो ऐसे करके फिर आपका आया डॉक्टर सेप्टेरा का। ठीक है। वैसे मैं ढूंढता रहा तो फिर एक दिन आपका वो वीडियो मैंने देखा। हाँ जी अच्छा, जब आपका वीडियो देखा तो मुझे मतलब इतनी तकलीफ थी कि मर्चा बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ठीक है। फिर ऐसा करके फिर आपके यहाँ कॉल लगाया मैंने, फिर उन्होंने वो महिमा 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 जी है, मैम। उन्होंने हाँ जी फोन उठाया, हाँ फिर उनसे मैंने बात की। मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है मुझे, फिर उन्होंने बोला आप दिल्ली आ जाओ, हाँ जी दिल्ली आके आपको दिखाना पड़ेगा डॉक्टर सप्रा पे प्रीत हाँ बिहार में। फिर मरता क्या नहीं करता, मुझे बिल्कुल तकलीफ थी मुझे बिल्कुल सर बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जी फिर मैं गया दिल्ली, फिर उन्होंने मेरे को सारी बात की, उन्होंने फिर उन्होंने यकीन के लिए बोला हाँ मुझे, जी तो उन्होंने बोला आपको टेस्ट करके उसके बाद आपको बताएंगे। आपके 3 तरह की मशीनें हैं हाँ ना, हाँ जी क्या सर क्या हाँ रेट में है? सर, वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है सर। हाँ जी हाँ तो ठीक है। उन्होंने मैंने मैंने उनको पूरी जांच हाँ करवाई, फिर हाँ हाँ जी उन्होंने जांच करके फिर उन्होंने मशीन मेरे को 40,000 वाली बताई। हाँ हाँ ठीक है। तो फिर 40,000 वाली बताई, फिर मैं पूरी जांच करवा के हाँ फिर जी मैं वापस आ गया अपने अजमेर। जी जी तो गल तो पूरी तो करन दे, जी जी ठीक है मुझे अजमेर आ गया। फिर हाँ अजमेर से मैंने बच्चे को बोला, मैंने कि ऐसी ऐसी बात है तो मुझे वो मशीन तू दिला दे जी जी तो मैं मेरे को इलाज करवाना। तो एक चीज नहीं बताना, वो हाँ जी नमस्ते मैम। हाँ ना जब अजमेर में हमने ऑपरेशन करवाया था हाँ ना, हाँ तो उन्होंने कोई रिफिल टाइप की 6 महीने की कुछ कान के अंदर डाली थी हाँ हाँ अजमेर में, तो जी डॉक्टर बोले कि 6 महीने बाद ये चीज निकाल देंगे हम हाँ आपकी हाँ वापस। ठीक है लेकिन वो जब निकाली ना, तो वो कान का पर्दा और भी मतलब खुल गया और पता नहीं क्या हुआ। ओके ठीक है। हमने देख लो, हमने दिल्ली जयपुर और अजमेर में भी मतलब प्राइवेट क्या सरकारी क्या काफी जगह दिखाया वर्ल्ड आपने। में, हमने कोई हॉस्पिटल कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा वर्ल्ड में।
प्राइवेट भी सरकारी भी, ठीक लेकिन है। इनका कहीं से कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपके यहाँ से जी बहुत रिलीफ मिला, जी मतलब जी ऐसा कि जैसे तकलीफ आई नहीं। हाँ जी, तो मैम जैसे कि सर को चक्कर भी आते थे काफी, सोने में प्रॉब्लम होती थी, क्वालिटी लाइफ अभी बेटर है? बहुत ज्यादा, अब तो बहुत है। पहले तो मतलब ये था कि हमारे को खाने पीने का भी कुछ वो नहीं हाँ था, जी पूरा माइंड इनकी तरफ ही रहता था, बहुत डिस्टर्ब रहते थे, किसी बात में मन नहीं लगना, हाँ कोई काम नहीं, कहीं कुछ काम करना या नहीं करना, कुछ नहीं, बस इनकी तकलीफ कोई, बस यही सोचते थे ईश्वर कभी ये दिन ऐसा कहीं दुनिया में इलाज है भी है कि नहीं है, ये जी ठीक होंगे बिल्कुल भी कि नहीं होंगे, ठीक है, पर यहाँ से ऐसा है कि जीने की उम्मीद बिल्कुल मिली मैम। है, हाँ जी, बहुत अच्छा तो अभी लगा। डिवाइस सर यूज़ कर रहे हैं कि अभी उन्होंने छोड़ दिया है मैम? नहीं करती है अभी करते भी, हैं सुबह ना? शाम हाँ करती है, पहले ठीक दिन है, में 3 टाइम करते थे, अभी 2 टाइम, अभी कम क्योंकि है ना डॉक्टर उनको। अभी। हाँ ठीक है जी ठीक है। तो मैम अगर मैं आपसे परसेंटेज में पूछूं सर का, तो आउट ऑफ 100 में से अभी कितना परसेंट उनको बेटर लग रहा है टिनाइटस? मतलब ये है मेरे हिसाब से तो 75 है, ठीक है, बहुत आज अच्छी तो बात आपने है बोला मैम। मैडम को, क्योंकि अभी ऐसा कुछ लगता नहीं है हाँ कि जी नॉर्मल, अभी एक गाड़ी भी चलाते जी हैं, घर का भी काम देखते हैं, ठीक खाना है, पीना भी इनका अच्छे से है, पहले तो खाना पीना भी कुछ भी नहीं था, मतलब नहीं कर इनका पाते सोते थे भी नहीं थे, बिल्कुल। अभी नींद भी अच्छे से लेती है, सब चीज मतलब मेरे हिसाब से ये अब एकदम ओके है, बहुत अच्छी कान बात को है मैम, लेती, बहुत अच्छी बात है। बस 25 बाकी परसेंट है वो भी ठीक हो वो भी जाएंगे रिमेनिंग ये। अभी हो जाएगा आपका, कंटिन्यू चलेगा थेरेपी मैम, ठीक है। और एक लास्ट चीज़ मैम, जैसे काफ़ी सारे पेशेंट्स को टिनाइटस की प्रॉब्लम है, तो क्या आप अवेयरनेस के लिए उनको कुछ गाइड कर सकते हैं? उनको क्या कहाँ दिखाना चाहिए, क्या करना चाहिए टिनाइटस के लिए, आप कुछ अवेयरनेस के लिए बता सकते हो मैम? एक मिनट, ये कह रहे मेरी मेरे को हाँ बात आप कर रही बात है। करा हाँ दीजिए जी, हाँ बोलिए। सर। जैसे अवेयरनेस के लिए आप बता सकते हैं पेशेंट्स को, उनको क्या करना चाहिए, कहाँ दिखाना चाहिए टिनाइटस के लिए? काफ़ी पेशेंट्स परेशान होते हैं इस चीज़ से। भाई ऐसा जो भी पेशेंट जो भी है टीनिटस, जो ये हाँ बीमारी है टीनिटस की, मेरे हिसाब से मेरा जो राय है, मेरे हाँ हिसाब से कई धक्के खाने की उनको जरूरत नहीं है। कहीं बिल्कुल डॉक्टर है जो भी है, अगर वो डॉक्टर या कहीं हॉस्पिटल या कहीं भी जाके वो हाँ दिखाते करते हैं, तो उनका वो पैसा बर्बाद है, जी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे वो 100 रुपए रोज की दवाई खा ले, हाँ चाहे जी कुछ भी करवा ले, चाहे ऑपरेशन करवा ले, चाहे कुछ भी करवा ले, उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जी सर फर्क पड़ेगा अगर वो ठीक होगा तो डॉक्टर सेफ्टरा के यहाँ से जो मशीन मिल रही है उसी से होगा, वरना वो ठीक नहीं होगा। थैंक यू सो मच सर। और सर एक लास्ट चीज़ आपसे, क्या आप ये वीडियो मैं आपका शेयर कर सकती हूँ अपने यूट्यूब हाँ चैनल शेयर पे? कर दो, आप लोगों का भला होए, क्योंकि बिल्कुल मैं ये बीमारी से जूझा हूँ, मुझे मालूम है। बिल्कुल मैं सर। हाँ जी मेरी तो ये स्थिति आ चुकी थी कि मैं आत्महत्या कर लूँ, और इससे जी बढ़कर क्या है। जी तो अभी आप बेटर हैं, क्वालिटी लाइफ बेटर है आपकी? हाँ अभी ठीक है, बेटर है बहुत कि मैं अच्छी बहुत, बात है। ये आप समझ लिया, मुझे 100 में से 50% तो मुझे इतना फायदा हो गया है हाँ कि पहले तो मैं घर पे ही रहता था, अब क्या मैं काम पे भी जा रहा हूँ। ठीक है मुझे इतना मतलब काम पे जा रहा हूँ, होती है, लेकिन मतलब मेरा दिमाग इतना नहीं लगता कि मेरा जैसे पहले एक ही तरफ टिका हुआ था दिमाग। अब काम भी कर लेता हूँ, सो भी लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ, लेकिन ये है कि अभी तकलीफ पूरी नहीं गई है वो भी मेरी। चली जाएगी सर, अभी ट्रीटमेंट चलेगा आपका, 25 साल का प्रॉब्लम है ना, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। हाँ ठीक है नंबर बढ़ाने ठीक पूछो। है। हाँ अच्छा, मुझे अभी डिवाइड के मेरे 250 नंबर कर मैं, दो, खत्म हाँ होने मैं वाला है। आपको ठीक अभी कॉल करूंगी, फिर मैं आपको कराती हूँ, ठीक है सर? एक है हाँ, ठीक थैंक है। यू सो मच सर हाँ अपना वीडियो फीडबैक शेयर करने के लिए। आप दे दो लोगों का भला जी होए कि आपके यहाँ से ही ऐसा है, आपकी मशीन के द्वारा ही वो इंसान ठीक हो सकता है, वरना नहीं होगा। थैंक यू सो मच चाहे सर। वो 1 लाख रुपए खर्च कर दे, चाहे 1 करोड़ रुपए खर्च कर दे, क्योंकि जी ठीक है आपकी मशीन है ना, ये सक्सेस, ये समझ लो लोगों को जीवन दे रही है। बिल्कुल ठीक है बस सर, ठीक ठीक है, है, थैंक यू सर, धन्यवाद। मोस्ट वेलकम।